हिंदी में MBBS की पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। जी हाँ, अब जल्द ही MBBS की पढ़ाई हिंदी में होने वाली है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज 16 अक्टूबर को भोपाल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों, मेडिकल स्टाफ और राजनेता दिन रात जुटे हुए थे। MBBS फर्स्ट ईयर की 3 किताबें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री बनकर तैयार है। किताबें इस तरह से तैयार की जा रही हैं कि रक्तचाप, रीढ़, हृदय, गुर्दे और यकृत या शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों और संबंधित शब्दों जैसे तकनीकी शब्दों को अंग्रेजी में उच्चारित करने के लिए देवनागरी लिपि में लिखा गया है। कहा जा रहा है कि हिंदी में सिलेबस होने से विद्यार्थियों की समझ में इजाफा होगा। मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी का ये एक अभिनव प्रयास है, एक नवाचार है कि मेडिकल की किताबों को हिंदी भाषा में रूपांतरित किया जाए ताकि हिंदी भाषी जो हमारे छात्र हैं उनकी समझ भी उसी तरह से विकसित हो, क्योंकि अंग्रेज़ी में पढ़ना उनको उतना आसान नहीं होता है क्योंकि उनका माध्यम हिंदी होता है। अगर किताब हिंदी में होगी तो उनकी समझ ज़्यादा अच्छी विकसित होगी, उनकी ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा अच्छी होगी और वे बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे। देखा जाता है कि ग्रामीण अंचल और हिंदी मीडियम से आने वालों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी अभी तक। जी, और इसी परिप्रेक्ष्य में ये अभिनव प्रयास माननीय विश्वास सारंग जी ने किया है, जिसे आज माननीय अमित शाह जी पुस्तकों का विमोचन करने वाले हैं और मैं उन दोनों को साधुवाद देता हूं और मध्य प्रदेश शासन को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में इतनी शिद्दत से सोचा। सर, अभी इसमें पहले स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें बदल रही है? सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जो किताबें उपयुक्त होती हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं छात्र, एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उनकी 3 किताबें जो हैं हिंदी में रूपांतरित हो गई हैं। इन 3 विषयों की उन्हीं का विमोचन होगा। अपने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में कब से चालू हो जाएगी? जैसे ही शासन आदेश करेगा हम उसको लागू कर देंगे। इसमें जो इंग्लिश मीडियम से जो छात्र हैं उनको किस तरीके की समस्या आ गई, जैसे बाहर से भी आते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए? अंग्रेज़ी माध्यम की किताबें तो उपलब्ध ही हैं, उन्हें किसी समस्या होने का कोई आधार है ही नहीं। जो हिंदी से आते थे छात्र हमारे गांव से, ये उनकी कठिनाइयों को सुलझाने का एक अभिनव प्रयास है। गाँव के गरीब से गरीब आदमी को लगता है कि कुछ बेच के भी पढ़वाना पड़े तो मैं इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दूँ। कितनी कठिनाई का रहते हैं आपको पता है, गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय, किसान, मजदूरी करने वाला, जरा भी सामर्थ होती है नहीं अंग्रेजी में, इंग्लिश मीडियम में। एक अलग तरह की, और मैं उस मानसिकता के बच्चों को भी जानता हूं। मैंने मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए बच्चे को इसलिए देखा है कि उसको ढंग की अंग्रेजी नहीं आती थी तो अपमानित होता था, तो पढ़ाई छोड़ के चला गया। क्या प्रतिभा केवल अंग्रेजी में होती है? हमारे बच्चों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, कोई कमी नहीं, केवल भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण वो कुंठित हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, कोई ये समझे कि मेरी जिंदगी बेकार है। मैं मानता हूं कि ऐसी अंग्रेजी को धिक्कार है, काहे के लिए ऐसी अंग्रेजी हम इससे पीछा छोड़ा है। आत्मविश्वास से भर के अब ये मेडिकल और इंजीनियर, देखिए मैं आलोचना के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, एक वर्ग बन गया देश में, अभिजात वर्ग। अब उनने तो पैदा हुए तो अंग्रेजी में ही पैदा हुए, वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। अब वो 5-7-10% नहीं चाहते कि हिंदी में पढ़ाई हो या मातृभाषा में पढ़ाई हो, क्योंकि अंग्रेजी रहेगी तो उनके आने वाली पीढ़ियां भी तरती रहेगी। और आज जो मैं कहते हुए प्रसन्न हूं कि ये एक सामाजिक क्रांति है, प्रधानमंत्री जी ने जिम्मा सौंपा, मैंने विश्वास से कहा कि पूरी ताकत के साथ जुड़ जाओ। कई लोग हंसेंगे, विरोध करेंगे, कोई हो सकता सहयोग भी ना करे, तो अभी टीम बनाओ और इस काम में लग जाओ। आज मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता और गर्व है कि विश्वास और पूरी टीम ने उस काम को पूरा करके
दिया है, ये किया जाता है।